नाम का एक छोटा सा गांव था, मगर उस छोटे से गांव के पास में ही एक बड़ा और घना जंगल भी था। गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस जंगल में घुसने की गलती नहीं करता था। दरअसल बात यह है कि गांव के लोगों ने एक चुड़ैल को उस जंगल में कैद कर रखा था, इसलिए कोई भी गाँव वाला उस जंगल के भीतर जाने की सोचता भी नहीं था। एक रोज जंगल में वो डरावनी चुड़ैल बरगद की पेड़ की चोटी पर बैठी जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, इन गांव वालों को क्या लगता है कि ये मुझे इस जंगल से तंत्र मंत्र फूंक कर कैद कर देंगे, तो मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इन मूर्ख गांव वालों को नहीं पता कि आज की रात चंद्र ग्रहण है और कोई भी तंत्र मंत्र हम चुड़ैलों को चंद्र ग्रहण पर आजाद होने से नहीं रोक सकता। आज की रात मेरे इस जंगल से आजाद होने की रात है, फिर मैं गांव में घूमकर सुंदर और जवान औरतों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी और मेरी मनपसंद प्यास खूब प्यास खाऊंगी और अपना पेट भरूंगी। फिर उसी रात चंद्र ग्रहण होते ही वो चुड़ैल जंगल से आजाद हो जाती है और फिर वो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर गांव में रहने वाली सुमिता के घर का दरवाजा खटखटाती है। सुमिता आधी रात को उठती है और अपनी खिड़की से झांक कर देखती है। क्या बात है अम्मा, कहाँ इतनी रात गए हमारे घर का दरवाजा पीटे जा रही हो? बेटी मैं बहुत भूखी हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? क्या अम्मा आधी रात में खाने को मांग रही हो, अब तो घर में बस एक आधी रोटी ही पड़ी होगी, वो खानी है तो बताओ। हाँ बेटी वही ले आ, उस पर एक प्याज रख लाना, मैं उसी से काम चला लूंगी। फिर सुमिता उस बूढ़ी औरत को रोटी पर प्याज रख कर देती है कि तभी वो बूढ़ी औरत चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और सुमिता से प्याज छीन कर खा जाती है। सुमिता चुड़ैल को देखकर कुछ बोल पाती है, उससे पहले ही चुड़ैल सुमिता की गर्दन पर काट कर उसका सारा खून पी जाती है। सुमिता के शरीर से सारा खून खत्म होने से सुमिता तुरंत अपना दम तोड़ देती है। कितने सालों बाद मुझे अपनी मनपसंद प्याज खाने को मिली है और मीठा मीठा खून पीने को मिला है। मजा ही आ गया। ऐसे बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। जब सुबह होती है तो सुमिता का पति चेतन अपने घर के बाहर सुमिता को मरा पड़ा देखकर चौंक जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। सुमिता के यूं अचानक से मर जाने से चेतन को बहुत दुख होता है। अगली रात चुड़ैल फिर से एक बूढ़ी औरत का रूप लेती है और गांव में रहने वाली मोहनी के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। इतनी रात में हमारे घर कौन आ गया? अरे तनिक ठहरो भाई, हम अभी आते हैं। मोहिनी दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। अरे क्या बात है अम्मा, इतना रात को आप हमारे घर का दरवाजा काहे खटखटा रही हो? बेटी बहुत भूख लगी है, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। अरे अम्मा अब इतने रात को कहाँ से कछु दें आपको, घर में जवन बना था वो सब तो खत्म हो गया। अरे बेटी मुझे तो प्याज खाना बहुत पसंद है, प्याज खाकर तो मेरे अंदर जान आ जाती है, तू बस जल्दी से घर के भीतर जा और मेरे लिए प्याज ले आ। मोहिनी घर के भीतर जाती है कि तभी मोहिनी का पति गोकुल उठ जाता है और मोहिनी से बोलता है, अरे भाग्यवान इतनी रात गए काहे खटर पटर किए जा रही हो, अरे कम से कम हमका रात को तो चैन से सोने दो। अजी ना जाने रात में एक बेचारी बूढ़ी औरत कहाँ से आ गई है और खाने को प्याज मांग रही है, बस मैं तो उसे वही देने जा रही थी। मोहिनी प्लेट में कुछ प्याज लेकर उस बूढ़ी औरत को देती है। अरे वाह 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 इतनी सारी प्याज, आज तो लगता है शैतान देवता मुझसे काफी प्रसन्न है। ऐसा बोलते ही बूढ़ी औरत चुड़ैल का रूप ले लेती है और मोहिनी से प्याज छीन कर खाने लगती है। अरे बाप रे ये बूढ़ी औरत एक चुड़ैल है। अरे लड़की तू ज्यादा शोर मत मचा, नहीं तो प्याज की जगह तेरा सिर चबा जाऊंगी मैं। ऐसा बोलकर चुड़ैल जल्दी से मोहिनी की गर्दन से चिपक जाती है और उसका सारा खून चूस लेती है। तभी शोर सुनकर गोकुल घर के बाहर आता है और देखता है कि मोहिनी जमीन पर मरी पड़ी है कि तभी उसकी नजर प्याज मांगने वाली चुड़ैल पर पड़ती है। मानना पड़ेगा
तेरे घर की प्याज खा के तो मेरे तन बदन में चुस्ती फुर्ती आ गई और तेरी पत्नी का खून पीकर मजा ही आ गया। अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग यहाँ से, भाग। ऐसा बोलकर चुड़ैल वहां से जंगल की ओर चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही गोकुल तुरंत पूरे गांव में शोर मचाने लगता है और गांव वालों को इकट्ठा कर सबको उस प्याज मांगने वाली चुड़ैल के बारे में बताने लगता है। हाय रे कमबख्त मारी मेरी प्यारी पत्नी को मार कर जंगल में भाग गई। हाय रे। अरे अरे जरा देखो तो गांव वालों कितनी बेरहम तरीके से मेरी पत्नी को उस चुड़ैल ने मार डाला। अरे मोहिनी ने तो उसे बूढ़ी औरत समझकर प्याज खिलाई थी पर वो चुड़ैल तो मेरी पत्नी का खून भी पी गई। आए, 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 रे। गोकुल की बात सुनकर और मोहिनी को मरा देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। ये कैसी चुड़ैल है जो प्याज मांगकर खाती है और औरतों का खून पी जाती है। सभी गांव वाले चुड़ैल के डर से अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। रात के 12 बजते ही चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। रोज रात को प्याज खाने से मेरे शरीर में बहुत ताकत आ गई है, अब मैं इन गांव वालों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल फिर से एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल जाती है और गांव में रहने वाली शांति के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे ओ बेटी, मुझ बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। अरे रोटी सब्जी ना सही, थोड़ी प्याज ही खाने को दे दो, मैं उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। अरे मर गई रे, लगता है बाहर दरवाजे पर प्याज मांगने वाली चुड़ैल है। अजी गप्पू के पिताजी जरा उठो, बाहर दरवाजे पर प्याज मांगने वाली चुड़ैल खड़ी है और जोर जोर से दरवाजा पीटे जा रही है। इन औरतों का न जाने क्या होगा, न जाने कितना डरती है, अभी देखना हम कैसे उस चुड़ैल की चोटी पकड़ कर अम्मा में घुमाते हैं। महेश गुस्से में अपने घर का दरवाजा खोलता है और बूढ़ी औरत को देखकर बोलता है। अरे ओ चुड़ैलिया, तुम का लागत है कि तुम हमका बूढ़ी औरत बनकर चकमा दोगी और हम कछु नहीं समझ पाएंगे। आज तुम देखो हम कैसे तुम्हें सबक सिखावत है। तुहरी चोटी पकड़ कर कैसे तुमका हवा में उछालत है। बूढ़ी औरत अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और हंसते हुए बोलती है। अरे तेरी हड्डियों में जान तो है नहीं और अपने आप को शक्तिमान समझ रहा है। अबे मूरख, जरा अपनी आँख खोलकर सामने देख, मैं एक चुड़ैल हूँ जो तुझे एक ही झटके में प्याज की तरह कच्चा चबा जाऊंगी। ऐसे बोलकर चुड़ैल महेश का गला पकड़ लेती है कि तभी महेश की पत्नी शांति जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। अरे गांव वालों, अरे गांव वालों, तनिक हमरे पति को इस चुड़ैल से बचाओ। शांति का शोर सुनते ही गांव के लोग अपने घरों से निकलकर बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और डरावनी चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल को देखकर सीमा जल्दी से भागकर मंदिर के पंडित जी के पास जाती है और उन्हें चुड़ैल के बारे में बताती है। दूसरी ओर चुड़ैल महेश को गले से उठाकर दूर पटक देती है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुड़ैल ऐसा बोलकर जोर जोर से हंसी रही होती है कि तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। चुड़ैल, मैं जानता हूँ कि तुझे प्याज खाना बहुत पसंद है और मैं ये भी जानता हूँ कि प्याज ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। चुड़ैल पंडित की बात से काफी डर जाती है। पंडित, आखिर तू कहना क्या चाहता है। पंडित जी अपने झोले से एक बहुत बड़ी प्याज निकालते हैं और चुड़ैल को दिखाते हुए बोलते हैं। तू अपने आप को बहुत ताकतवर समझती है ना, तो जरा ये प्याज मेरे हाथ से छीन कर खा कर तो दिखा। इस पंडित की अब उम्र हो गई है, इसीलिए तो ये ऐसी बात कर रहा है। ऐसा बोलकर चुड़ैल पंडित की ओर बढ़ती है और उसके हाथ से प्याज छीन कर खा जाती है। प्याज खाते ही चुड़ैल का पूरा बदन आग की तरह जलने लगता है।